जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम फोबिया। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ऑलरेडी हम परसेंटेज की क्लास जो डिस्कस कर रहे हैं इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्रीवियस क्लासेस जाके वहां पे चेक कर सकते हैं कि उसके बेसिक्स क्या हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लगभग हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि आप इसके बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगता है तब, अगर आपको बेनिफिशियल नहीं लगता तो आप इसे लाइक ना करें या सब्सक्राइब ना करें, वो आपकी इच्छा है। ओके दोस्तों लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि 1/2 है परसेंटेज, यहाँ 1/2 परसेंटेज को का मान जो है दशमलव भिन्न में पता करना है हमें। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मान लीजिए 1/2 परसेंटेज की बात कर रहा है तो जहां भी परसेंटेज आता है, परसेंट मतलब होता है पर 1/ मतलब सेंट मतलब होता है 100, तो जहां भी परसेंटेज है वहां 1/100 से आप जो है उसे गुणा कर दीजिए। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 1/2 इंटू 1/100 कर देंगे। अब देखो देखिए, 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, 0.5/100 लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये 2 जीरो हटेगा तो क्या 0.005 आपको उत्तर मिल जाएगा यहाँ पे 0.005। तो बहुत ही सिंपल है ये करना, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर आप समझ जाएंगे तो आप इजीली कर ले जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 10% जो है अधिक हो। यहाँ क्या कह रहा है, ए की आय जो है बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत जो है कम होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, मान लीजिए बी की जो आय है, ये हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ बी की जो आय है वो मान लीजिए आपकी क्या है 100 है। अब आगे जो क्या कह रहा है, ए की जो आय है, अब ए की जो आय है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, ए की जो आय है 10% अधिक है बी से, तो ये क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब यहां पर क्या कह रहा है कि बी की जो आय है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत जो है कम है, यहाँ पर आपको ये निकालना है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला दोस्तों मैंने क्या बताया था, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए परसेंटेज, परसेंटेज आपको निकालना है कितने की कमी है। जैसे आपको एक सिंपल से समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए जो बी की आय है, बी की आय और ए की आय में कितना अंतर है, आपको अगर निकालना हो कि बी की आय और ए की आय में कितना अंतर है, यहाँ बी माइनस ए आप कर लीजिए। सबसे पहले आप आय में कमी पता कर लीजिए कितनी कमी है। तो यहाँ पर देखिए बी की आय आपकी 100 है और ए की आय आपकी 110 है, तो माइनस 10, 10 रुपए जो है कम है आय जो है आपकी, जो बी की आय है वो 10 रुपए जो है कम है। अब आपको निकालना है कि 10 रुपए जो है, ये जो 10 रुपए है ये जो 110 का कितना प्रतिशत है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला में रख दीजिए। क्या रखेंगे दोस्तों आप, 10 और कितने किसके खिलाफ निकाल रहे हैं आप, किसके अगेंस्ट में निकाल रहे हैं आप, निकाल रहे हैं ए के अगेंस्ट में, कि ए से कितनी जो है कम है, हमें ए के अगेंस्ट निकालना है ना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/110। अब हम एक बात कर रहे हैं परसेंटेज की, कितना परसेंट है, तो गुड़े यहाँ पर जो है आप क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है यहाँ आप परसेंटेज लिख देंगे क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर देंगे, यहाँ पर जो है आप परसेंटेज चूंकि निकालना है तो यहाँ पे आप क्या करिए दोस्तों, यहाँ पे 100 का जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा क्या 100/11। इसको आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 9 सही 1/11%। तो जहां भी प्रतिशत निकालना हो तो वहां 100 का गुणा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो मैंने फार्मूला बताया, इसी फार्मूले में हम सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। ये तो मैं आपको डिराइव करके एक्सप्लेन किया है, बट देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए बी के मुझे क्या निकालना है, बी की मान लीजिए 100 रुपए दे रखा है और उसने बोला कि 10% जो है आय जो है अधिक है ए की, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी डिवाइडेड बाई ए, ए की आय कितनी है 110 है, और यहाँ बात प्रतिशत की कर रहा है तो इंटू 100 कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, ये आप क्या कर देंगे -10/110 गुड़े 100, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो -100/11 आपका उत्तर मिल जाएगा। तो सेम ये आपका इजिली जो है सॉल्व हो जाएगा, तो इसका दोस्तों ये उत्तर हो जाएगा ये।
तो आपको कॉन्सेप्ट रखना है और सॉल्व करना है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो नीता का वेतन है वो क्या है, पायल के वेतन से 25% अधिक है। मान लीजिए जो है आपकी जो पायल है आपकी, इनका वेतन आपका 100 रुपए है, और जो नीता है आपकी, नीता नीता को आप एन मान लीजिए, पायल को आप पी मान लीजिए, इनका जो वेतन है 25% अधिक है, तो ये मान लीजिए 125 हो गया। ठीक दोस्तों, 125 हो गया। अब आप पता कर लीजिए यहाँ क्या बोल रहा है कि नीता से अब पायल का वेतन जो है कितना कम है। अब नीता से कितना कम है आपको निकालना है, तो सबसे पहले नीता से कितना कम है तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर निकालेंगे नीता के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, जो नीता के रेस्पेक्ट में करेंगे 125 - 100 इक्वल टू 25 रुपए जो है नीता से पायल का वेतन कम है। ठीक दोस्तों, आप 25 के बटे क्या कर दीजिए, नीता के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 125 कर दीजिए इंटू 100, 25 से कम 25, 25 × 125 और 20, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 20% जो है कम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है पायल का जो वेतन है वो 20% जो है कम है, तो इस प्रकार जो आप इसे कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। अब आप फार्मूला पे देख लीजिए दोस्तों, फार्मूला पे ये देख लीजिए, b - a / आपका जिसके रेस्पेक्ट में आप निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप, हमें निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, हमें नीता के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, n कर लीजिए, और यहाँ पर जो है यहाँ b कौन सा है आपका, यहाँ b जो है आपका 100 हो जाएगा, और -125 / 125 100, तो यहाँ देखिए आपको माइनस का चिन्ह मिल जाएगा, मतलब कमी हो जाएगा, 125 × 100। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका शॉर्ट ट्रिक से भी आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, तो आप जो डायरेक्ट जो है दोस्तों इससे भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप करेंगे थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग बनाइए, और आपको आप पहली कमी मान लीजिए तो माइनस अगर आप यूज नहीं करेंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 30% जो है अधिक हो। तो मान लीजिए यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि यहाँ देखिए बी की जो आय है वो मान लीजिए 100 है, तो अब क्या कह रहा है, ए की जो आय है वो ये माना जा रहा है ए की आय जो है 30% जो है अधिक है किससे, बी की आय से। तो यहाँ पर 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा। अब इसके आगे क्या कह रहा है कि ए से जो है बी की आय कितनी कम है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर आप जो फॉर्मूला रख दीजिए क्या रखेंगे, b - a, अब a के रेस्पेक्ट निकालने हैं तो a कर दीजिए इंटू 100, बस फॉर्मूला में रख दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो 100 - 130 / क्या हो जाएगा, 130 × 100। अब देखिए दोस्तों माइनस क्या आ रहा है यहाँ पे, आप लिखे क्या आ रहा है आपके दोस्तों यहाँ पे, -30 / 130 × 100। अब देखिए यहाँ माइनस मतलब कमी हो रही है, ये आपका इंडिकेट करता है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 300 / 13। अब देखिए दोस्तों आप जब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसको किस प्रकार निकालते हैं आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, कि आप क्या करिए यहाँ पर जो है 13 का जो है 300 से भाग दे दीजिए। आप जब भाग देंगे तो आप पाएंगे 13 × 26, 4 उतार लीजिए और 0 उतार लीजिए, 13 × 3 = 39, तो यहाँ एक आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, आप पाएंगे 23 सही, 1/13%, ये आपका जो है उत्तर आपका हो जाएगा। तो उत्तर आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इस प्रकार जो है आपको उत्तर इसका प्राप्त हो जाएगा। बस जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा आप करते जाइए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अनिल जो है, अनिल और दीपक, जो अनिल की लंबाई है वो दीपक की लंबाई से 60% अधिक है, तो दीपक की लंबाई मान लीजिए दोस्तों आपकी क्या है 100 है, और अनिल की जो लंबाई है वो क्या है दोस्तों 160 है, क्योंकि 60% अधिक है। अब आगे क्या कह रहा है कि जो है जो दीपक की लंबाई है अनिल से कितनी कम है, तो यहां पर आपको निकालना है, तो आप क्या करिए d - a / a के रेस्पेक्ट में आप अनिल के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, देखिए जिसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे वो हर में रहेगा, ध्यान दीजिए, और इंटू 100 कर दीजिए, बस वैल्यू पुट अप करिए दोस्तों आंसर लीजिए, 100 100 - क्या हो जाएगा 160 / 160 × 100, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका -60 आ जाएगा,
यहाँ पर माइनस मतलब यहाँ कमी हो रही है। अब फिर आगे दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो दोस्तों 2 8 16 और 2 5 10 और इसके आगे दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिख लीजिए आप माइनस 60 × 5/8, तो ये हो जाएगा आपको देख रहे हो 4 × 2 8 और 15 × 4 60, तो 15 × 5 = 75 माइनस 75/2%, माइनस 75/2%, यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हैं इसको 37 सही 1/2% की जो है कमी हो रही है। तो दोस्तों 37 सही 1/2% की जो है यहाँ पर कमी हो रही है। तो इस प्रकार जिस प्रकार आपका प्रश्न बोल रहा है उस प्रकार जो है आप करते जाइए, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब फिर देखिए दोस्तों यहाँ बोल रहा है यदि x y से 10% अधिक है, तो मान लीजिए यहाँ पर y आपका 100 है और x आपका मान लीजिए दोस्तों क्या है, ये क्वेश्चन दोस्तों आप ही करेंगे, सेम मैंने करवा चुका हूँ। x आपका मान लीजिए 110 हो गया, 10% अधिक हो गया, तो आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला में रख दीजिए वाई माइनस एक्स किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, आपको निकालना है एक्स के रेस्पेक्ट में इंटू 100, बस वैल्यू पुट अप कर दिए दोस्तों, 100 − 110 / 100। अब आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पर, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों ए की जो आय है वो बी की आय से 20% कम है। यहाँ पर देखिए जो ए की आय है, मान लीजिए बी की जो आय है आपकी 100 है और ए की आय जो दोस्तों आपकी क्या है यहाँ पर 20% कम है, यानी कि 80 है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए की जो आय है वो बी से कितनी अधिक होगी, मतलब यहाँ पर जो है अब जो है आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर अब जो है आपको निकालना है कि कितना जो है इससे ये जो है अधिक है। तो आप जो है आप किसके रिस्पेक्ट में यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ जो है आप निकालेंगे ए के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आप करेंगे बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इंटू 100, बस वैल्यू पुट अप कर दीजिए, जैसे दोस्तों पहले आप करते हैं वैसे ये करिए, 100 − 80 / ए की वैल्यू क्या है 80 × 100। अब आगे क्या कर देंगे दोस्तों, 20 / 80 × 100, ये 20 × 84 = 25%, तो 25% इसका जो है दोस्तों 25% जो है ये अधिक होगा दोस्तों, यहाँ पर ये 25% अधिक हो जाएगा। तो इसको कुछ नहीं करना, जैसा प्रश्न बोल रहा है दोस्तों सिंपल सा मेथड है, कितना अंतर हुआ और उसका जो है उसके अगेंस्ट में निकाल लेना है। जैसे दोस्तों एक बार थोड़ा इलेबोरेट करके मैं ये चीज समझाऊंगा इस प्रश्न में, जिससे जो है आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। जैसे यदि ए की जो आय है बी की आय से 25% कम है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों बी की जो आय है आपकी वो क्या है 100 है, ए की आय जो है दोस्तों वो आपकी क्या है, ए की आय क्या है दोस्तों, ए की आय 25% कम है तो 75 हो गई। अब आपको ये निकालना है कि जो है यहाँ पर देखिए बी की आय जो है 100 है, ए की आय 75 है, तो ए से ये कितनी अधिक है। तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप सबसे पहले जो है बी और ए के बीच में अंतर निकाल लीजिए, बी माइनस ए ये अंतर निकाल लीजिए, 25 का अंतर है, बी माइनस ए में 25 का अंतर है। अब देखिए दोस्तों जब ये 25 का अंतर है तो 25 का 75 जो है कितना प्रतिशत होगा, 25 का 75 कितना प्रतिशत होगा, ये कैसे आप निकालेंगे दोस्तों, 25/75 × 100 ये हो गया। आप देखिए दोस्तों इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये 25 × 75 और ये 100/3 हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। तो आप इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है जिसे आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, क्योंकि तो दोस्तों एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है कि आप इतना इलेबोरेट कर पाए, इसलिए जो है ये शॉर्ट ट्रिक थी। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि ए की जो आय है बी की आय से 50% जो है कम हो, अब देखिए दोस्तों जो बी की आपकी आय है, यहाँ बी की आय आप मान लीजिए कि 100 है, ठीक है दोस्तों, और ए की आय जो है, अब आपकी ए की आय क्या हो गई दोस्तों, ए की आय आपकी जो है हो गई 100 − 50 यानी कि 50 हो गई, 50 जो है आपकी ए की आय है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि तो बी की जो आय है वो
ए की आय से कितने प्रतिशत जो है अधिक है, यहाँ बोल रहा है। अब यहाँ क्या बोल रहा है दोस्तों, जो बी की आय है ए की आय से कितने प्रतिशत जो है अधिक है। तो आप यहाँ पर पहले अंतर अंतर निकाल लीजिए, बी और ए के बीच में कितना अंतर अंतर आएगा आप पहले वो निकाल लीजिए। 100 माइनस 50, इनके बीच का अंतर जो है 50 है। तो अब 50 का जो है आप निकालेंगे दोस्तों कि यह जो है कितना जो है 50 से, या अब देखिए इसको ए के रिस्पेक्ट हम निकाल लें दोस्तों, 50 जो है 50 का कितना जो है प्रतिशत है। अब देखिए दोस्तों 50 जो है 50 का कितना प्रतिशत है, 50/50 गुणे 100 का गुणा कर दीजिए, परसेंटेज आपका निकल आएगा। तो 100% जो है यह जो है इससे अधिक होगा। तो यहाँ पर जो है बी की जो आय है, बी की आय ए की आय से, यहाँ जो है ये बी की आय जो ए की आय से 100% जो है अधिक है। तो यहाँ से आपसे ये समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन दोस्तों आपको समझना है, अगर आप क्वेश्चन की नब्ज पकड़ ले जाएंगे तो कोई भी बड़ी बात नहीं है किसी भी प्रश्न को आपको हल करने में। अगर आप जो है दोस्तों क्वेश्चन को ही नहीं पकड़ पाएंगे तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों परसेंटेज आपका कॉन्सेप्ट मांगता है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक एक चीज क्लियर कर ले जाएंगे। तो दोस्तों मेरा कहना कि मतलब यही है कि आप जो है क्वेश्चन को पकड़िए जिससे कि जो है आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर रहे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ कह रहा है ए का 60%, ए का 7, ए गुड़े 60, 60% मतलब हो गया दोस्तों 1/100। ये क्या है, बी का 20/3/4, ये है दोस्तों। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 6 10, ठीक दोस्तों, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए बटे बी बराबर क्या आ जाएगा, 5/4। तो ए रेशियो बी दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी यहाँ से आ जाएगा 5:4, 5:4 आ जाएगा। तो दोस्तों आपको उत्तर यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन है ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको थोड़ा घुमा फिरा के एग्जाम में आएंगे। आपको जरूरी ये है कि आप हर क्वेश्चन की नब्ज पकड़ के उसको अच्छे से सॉल्व करें। दोस्तों मेरा टारगेट यही है कि आपको बिल्कुल बेस से लेके बिल्कुल टॉप पे ले जाऊं, चाहे वो नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया हो, चाहे वो फैक्टर पढ़ाया हो, या जो भी चैप्टर मैं पढ़ाया हूँ, वो मेरा टारगेट यही रहा कि मैं बहुत सिंपल से लेके बहुत अच्छे से आपको समझाया जाए वो बातें। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी क्लासेज आपको पसंद आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा भी मोरल अप हो। क्योंकि आपके लिए ये जो क्लासेस बनाई जा रही है, जो फ्री में प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों, इसके लिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। और ये स्लाइड सुनाना, इतना टाइम निकालना, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप समझते हो कि मैं रियल में हार्ड वर्क कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपसे यही निवेदन है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको दोस्तों के बीच शेयर करिए। क्योंकि दोस्तों हमारा टारगेट है हम मैथ को अंदर से सीखेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आज की इस क्लास में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, वो सारे जो क्वेश्चन थे फिजिक्स के रिस्पेक्ट में थे कि यहाँ पर इसकी आय जो है कम हो जा रही है, इसकी आय जो है बढ़ जा रही है। तो जो बढ़ रही है, घट रही है, उसका हमें जो है परसेंटेज निकालना था। और ये जो है जो परसेंटेज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना होता है, ये बड़ा ही अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं और बड़े कम टाइम में और तुरंत हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए जो है ऐसे क्वेश्चन करने बहुत जरूरी होता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने अपना समय दिया यहाँ पे, और आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। साथ ही साथ इसके साथ जो वीडियो प्रोवाइड की जा रही है आपको, अब दिखेंगी जो, तो वो भी दोस्तों उसको जो है आप वॉच करें और सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।